लोगों के वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। मान्यता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था, जिसे कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकते थे। वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार के कारण देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया कि महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर आक्रमण कर उनका शासन भी छीन लिया। महिषासुर के इस दुशास के कारण भगवान विष्णु और भगवान शंकर अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया। देवताओं की सभा लगी और यह निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो केवल महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी असुरों का विनाश कर देगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया। चैत्रमा के 9 दिनों में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान देवी ने 9 अलग अलग रूप धारण किए। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया। तब से चैत्रमा के पहले 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। आप सभी को हिंदू नव वर्ष और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।